नमस्कार दोस्तों मैं हूं राहुल जैफ लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं दिवाली है हैप्पी दिवाली और आप सभी लोग खुशी से अपनी दिवाली मनाएं ये मेरी कामना है और मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स करें बहुत तो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं और लड़ते रहेंगे पर इसका मतलब ये नहीं है इसका अंत नहीं है इसका अंत तो है और ये तय करना है आपको आजकल कमेंट्स में भी मुझे काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स किया है कि उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सिर्फ हमारी वीडियोस देखने से तो ऐसी ही खुशी मैं आप लोगों के लिए भी जानना चाहता हूँ आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो कानूनी तो नहीं है पर कानून की वजह से एक समस्या बन गया है समस्या यह है कि आप लोग एक घर में बैठे हुए हैं अकेले इससे कुछ दिन पहले ही ऐसा तय भी है हमारे यहाँ पर कि चौथ होती है और किसी धर्म में तो शायद नहीं होता है पर पति को मनाने का यानी पति के लिए कोई त्यौहार मनाने का एक तरीका होता है स्पेशली हिंदू संस्कृति में बाकी और संस्कृतियों में कई अलग अलग तरीके से कुछ और तरीका तहजीब होती है मुस्लिम्स में अलग होती है क्रिश्चन्स में अलग होती है पर एक तरीका होता है पति और पत्नी के बीच में संबंधों को और गज़ब से एक अलग तरीके का एक आयाम देने का तो यहाँ पर अभी जो दिवाली है ये कई लोगों की सुनी है कई लोग अपने पड़ोस पड़ोस के पड़ोसियों को देख कर उनके जो कपल्स हैं उनको देख कर सोचते हैं कि क्या ऐसा मेरी ज़िंदगी में भी इतनी सुनहरी दिवाली आने के चांसेस हैं तो हैं जब तक लीगल, लीगल है हैं इसलिए इस, इसमें तो कोई कोताही आपको बरतनी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी अपने केस से बाहर आएँ या तो आपकी बीवी समझदार होगी उन केसेस में अगर खुद के गलती मानकर समझकर वापस आना चाहेगी तो बहुत ही बेहतर है अन्यथा फिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा आपको यह इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इस ऑप्शन को चालू रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पास एक रास्ता हो और वो रास्ता लीगल, लीगल हमेशा से गुजरता रहे आज बात हो रही है ऐसी औरतों की तकलीफ़ों के बारे में ऐसे पतियों की तकलीफ़ों के बारे में जो आज इस दिन पे अकेले हैं दूसरे लोगों को उनके घरों में दिवाली मनाते हुए अपने बच्चों के साथ खुश हैं मगर एक औरत अकेले में बैठ के अपने बच्चे के साथ कोशिश कर रही है कि वो उसे खुशी दे सके क्योंकि उसका पति अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है उसे छोड़कर चला गया इसी तरह से एक पत्नी के चले जाने पर और उसके बच्चे को छीन लेने पर एक पति भी इसी तरह से दुखी होकर कोने में बैठा है वो इतना खुश नसीब नहीं है कि उसके पास अपना बच्चा भी हो कि कम से कम उसके साथ ही खेल ले वो भी उससे ज़बरन छीन लिया गया है ये दिखाते हुए कि वो गलत था इसी की पेशकश में इसी माहौल के लिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों की जितनी काउंसिंग करता हूँ इतने लोगों की बातें तकलीफ़ें सुनता हूँ जो सिमट कर मेरे दिमाग में आता है उस पर आज मैंने एक कविता लिखी है हो सकता है आप लोगों को पसंद आए हो सकता है आप लोगों को लगे कि त्यौहार के दिन इस तरह की बात ना की जाए पर एक तकलीफ़ तो हमेशा कहीं ना कहीं आप लोगों में मैं हमेशा पाता हूँ इसी के लिए मैंने एक कविता अपने ही शब्दों में बनाई है और मैं आपको सुनाना इसलिए चाहता हूँ कि इसके अंदर शायद कई मायने हैं और ये वहाँ तक भी जाए जो लोग इस बात का फ़ैसला करने के लिए बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि परिवार बसे और अगर फ़ैसला नहीं भी होता है तो कोई अलग हो पर क्या इस तरह से एक आदमी हर दिन हर दिवाली को क्या अकेला ही रहेगा ये तो हमारे कई कोर्ट्स को भी सोचना चाहिए कि या तो उस आदमी को वापस बसा दिया जाए और या फिर उस आदमी की ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से खुशियाँ लौटा दी जाए बैठा हुआ एक आदमी क्या सोचता है अगर जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं तो पेशे नज़र है एक आदमी खून जलाते हुए शहर में खड़ा है चमकते हुए एक आदमी खून जलाते हुए शहर में खड़ा है चमकते हुए सब कहते हैं उसे मुबारक दिवाली सब कहते हैं उसे मुबारक दिवाली किसको दिखाए अपने अंदर रो रोती चीखती रुदाली सोचता है फिर वो मेरा नन्ना बच्चा कहाँ होगा सोचता है फिर वो मेरा नन्ना बच्चा कहाँ होगा क्या खुश होगा किसी ने उसकी ज़िद सुनी होगी या पटाके ना मिलने पर रोया होगा आखिर उस राम की सीता की ली हुई अग्नि परीक्षा आखिर उस राम की सीता की ली हुई अग्नि परीक्षा आज के लाखों राम क्यों दें कौन करेगा रक्षा एक वनवास खत्म हुआ था त्यौहार मनाया गया एक वनवास खत्म हुआ था त्यौहार मनाया गया अब यह वनवास जब भी खत्म हो मातम ही मनेगा डाइवोर्स होगा ज़्यादातर यही होता है की दिवाली रात अमावस की काहे की दिवाली है रात अमावस की बस और कुछ नहीं लोग रीत निभा रहे हैं और मैं जीता हूँ जिंदगी बदनामी भरी एक आदमी या एक औरत जिसका भी सेपरेशन होने जा रहा है हो गया है उसके लिए ज़िंदगी ऐसी ही हो जाती है उस गुनाह की सज़ा पाता हूँ जो मैंने सोचा भी नहीं एक कंस और खुश हो गया बच्चा मेरा छीन कर रावण बना बैठा है कहीं अभी एक पटाखा फटा और डर गया अरे आवाज़ से नहीं यार अगली कोट की डेट का राक्षस ख्यालों में दिख गया अभी अभी एक पटाखा फटा और मैं डर गया अरे आवाज से नहीं यार अगली कोर्ट की डेट का राक्षस ख्यालों में दिख गया जितना धुआं शहर में नहीं हुआ है जितना धुआं शहर में नहीं हुआ है उतना कई सालों की जलन का मेरे सीने में घुसा है जिसे लक्ष्मी मानकर घर था ले आया जिसे लक्ष्मी मानकर घर था ले आया के कई मंत्रा और न जाने क्या क्या रूप देखना रह गया सिसकते हैं मेरे बूढ़े माँ बाप लोगों की खुशी से क्योंकि आज दिवाली है दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने बात कही है बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग्स करते हैं दिन भर उनकी तकलीफ़ें सुनते हैं आज अंदर से महसूस हुआ लग रहा था कि शुभकामनाएं दूंगा आपको बहुत खुश रखूंगा कुछ अच्छी बातें भी कर लेंगे पर ऐसा लगा कि इस तरह से मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं वक्त बहुत बदल गया है हालात बदल गए हैं अगर कोई बच्चा अकेले में बैठकर अपने फादर को याद नहीं करता है तो इसके लिए व्यवस्था जो है वो ज़िम्मेदार है इसके लिए आप ज़िम्मेदार नहीं हैं अगर आप व्यवस्था को सुचारू करना चाहते हैं तो आपको एक नए आयाम पे सोचना पड़ेगा व्यवस्था ऐसी है कि कहीं आपको दबा लिया जाता है कहीं आपको रोक लिया जाता है पर दिवाली पर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि देखिए अगर आपका स्पाउस चाहे वो पत्नी हो और चाहे वो पति हो अगर निकम्मा है किसी हालत से समझ नहीं सकता है किसी बात को समझा नहीं सकता है सिर्फ ये चाहता है किसी तरह से रिश्ता टूट जाए एक मुखोटा लगा कर कोर्ट के सामने ज़बरदस्ती झूठ बोले जा रहा है तो आप लोगों को यहाँ से सोचना पड़ेगा कि ऐसी अगली दिवाली ना हो और मुझे ऐसी कविताएँ ना सुनानी पड़े आप भी एक कलाकार बने और अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आए ज़्यादा से ज़्यादा जितना गंभीर होंगे परेशान होंगे ज़्यादा अच्छा है भूल जाइए उस वक्त को भूल जाइए उस इंसान को जिसने आपको इतनी तकलीफें है दी हैं ज़्यादा अच्छा है कि अपने अंदर एक नई पौध को रोप दीजिए और नए सिरे से सोचना शुरू कर दीजिए चाहे आप वो दुखियारी पत्नी हैं जिसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुका है और अभी भी होना बाकी है चाहे आप वो दुखियारे पति हैं जिसको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया मुझे सिर्फ गलत की सज़ा मिल रही है मैं तकलीफ़ें पा रहा हूँ तो गलत की वजह से पा रहा हूँ और साबित नहीं कर पा रहा हूँ कोई डर नहीं है कोई हिचक मत रखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या रखना है अपने अंदर एक मादा रखना है जीतने का अपने आप को बार बार ऐलान करना है कि मुझे जीतना है और जीत कर अगली दिवाली बड़ी खुशियों से मनानी है कोई बात नहीं कुछ लोग फ्री हो गए होंगे तो उन्हें मुबारक और जो लोग फ्री होने वाले हैं उन्हें एडवांस में मुबारकबाद दिवाली आपकी हमेशा अच्छी थी अच्छी है और रहेगी कभी ज़िंदगी में मत सोचिए कि उम्मीद की किरण ख़त्म हो जाएगी मुझे लगता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती लाने के लिए उन पलों को अब नहीं सोचते होंगे बल्कि जो अब वक्त है हालात है उससे आपने जीना सीख लिया समझौता मत कीजिएगा समझौता करते वो लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं उन पर काबू कीजिए उन्हें मजबूती से झगड़ लीजिए जिससे कि वो आपको तकलीफ़ नहीं दें समझौता करने पर तो वो बार बार तकलीफ़ देंगे मजबूत रहिए क्योंकि ये धर्म की अधर्म पे जीत का हौसला और फैसला है वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा काफ़ी लोगों को आज दिवाली पर शायद ऐसे वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी थैंक यू